तो ये मेरे मॉर्निंग न्यूज़ का पार्ट होता है जो कि मैं डेली लेती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड साउंड। तो दिस इज़ एन अनदर डे ऑफ व्हाट आई ईट इन अ डे, प्लस इसमें वीकेंड व्लॉग भी है। बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी एंड बेस्ट पार्ट इज़ क्यू एन ए पार्ट जो आप लोग को बहुत पसंद है। तो मैंने जो ब्रेकफास्ट में पोहे बनाए थे, साथ ही साथ ये वाटरमेलन है, इसे मैं कट कर दूंगी। बट आजकल जैसे कि वाटरमेलन मार्केट में आ रहे हैं, तो इस तरीके से मैं चेक कर लेती हूँ। अगर टिश्यू पेपर में कुछ भी रेड कलर आता है, दैट मीन्स इसमें फूड कलर एडेड है जो कि केमिकल फुल होते हैं, तो उसे मैं फिर नहीं लेती हूँ खाने में। बट अगर ऐसे आपका टिश्यू पेपर क्लीन आता है, दैट मीन्स जो ये वाटरमेलन है वो आपका बिल्कुल ठीक है, आप इसे खा सकते हैं, इट्स एन एडिबल। तो बस इस तरीके से मैंने अपना वाटरमेलन कट कर लिया और यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया है ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म पोहे। और बैठ के हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी प्लान करेंगे कि हमें फुल डे क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें प्लानिंग में हम बैठ के साथ में करते हैं। वीकेंड का टाइम है और जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारा इंडिया जाने का प्लान है, मतलब बुकिंग वगैरह सब हो चुकी है, तो उसकी तैयारी भी करनी है, शॉपिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें प्लान में हैं। तो वो सारी चीज़ें भी बैठ के हम यहीं पे खाते का हम डिस्कस कर रहे थे। मेरे मॉर्निंग न्यूज़ का पार्ट होता है जो कि मैं डेली लेती हूँ, तो वो है ये सीड्स। तो ये रोस्टेड रोस्टेड सीड है, तो इनको मैंने रोस्ट करके रख लिया है, ऑलमोस्ट अभी फिनिश ही होने वाले हैं और मुझे रोस्ट करना है इंडिया जाने से पहले। और फिर इसको मैं लेती हूँ डेली 1 स्पून। तो आपको बताऊंगी इसके बेनिफिट्स कभी हम दूसरी वीडियो में, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि हमें इसे लेना क्यों ज़रूरी है और मैं क्यों ले रही हूँ स्पेशली। तो चलिए 1 चम्मच सीड्स खाते हैं। ले वो सीड्स, सो आई गॉट रेडी फॉर आउटिंग। और वीकेंड है तो हमने सोचा जाने से पहले एक बार घूम लिया जाए। तो हमारा आज प्लान था पाम जुमेरा घूमने का, तो वहाँ पे हम मोनो रेल्स एक्सपीरियंस करेंगे जो कि हमारे बकेट लिस्ट का पार्ट था, हमने नहीं किया था, तो आज हम जाएंगे। और अभी ऑलमोस्ट दुबई खाली हो चुका है, गर्मियों की छुट्टियां लग चुकी हैं, बहुत सारे लोग अपने होम टाउन, अपने कंट्री, होम कंट्री जा चुके हैं, तो इतना रश नहीं मिलेगा, तो हम आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं मोनो रेल को। और बस ये था आज का मेरा OOTD, जो मैंने ड्रेस पहनी है, साथ में मैंने लाइट मेकअप किया है और स्पेक्स लिया है। और ये वाला जो बैग है वो मैंने आपको अपने टीमो हॉल में दिखाया था, तो वहाँ से मैंने परचेज़ किया है। कि इफ़ यू आर लिविंग इन दुबई तो आप टीमो ऐप डाउनलोड करके, ये जो भी मैं आपको हॉल वीडियोस दिखाती हूँ वहाँ से आप जाके अगर आपको पसंद आता है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स वहाँ पे भी मिल जाएंगे, एंड दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन बाय द वे। चलिए अभी हमारी गाड़ी निकल पड़ी है और हम लोग पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन में। तो हम अभी जाएंगे पार्किंग एरिया में जहां पे अपनी पहले गाड़ी पार्क करेंगे और फिर उसके बाद लिफ्ट के थ्रू हम ऊपर जाएंगे जहां पर हम लेंगे मोनो रेल की टिकट्स। अगर आपके पास नोल कार्ड है तो आप नोल कार्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं इसके लिए, गेट के अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास, हम नोल कार्ड नहीं लाए थे तो हमने अलग से टिकट बाय करी। और फिर उसके बाद हम जा रहे हैं मोनो रेल स्टेशन जहाँ से हम ट्रेन को कैच करेंगे। और यहाँ से ही व्यू इतना ब्यूटीफुल हो जाता है ना कि आपकी पूरी जर्नी बहुत अच्छी होती है। तो आपको मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और हमने यहाँ पे जो मोनो रेल है उसमें हम बैठ गए हैं, पूरी खाली थी, बिल्कुल भी रश नहीं था और आराम से हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए थे। 4 स्टेशन्स रहते हैं,
तो 4 स्टेशन के बाद आपका जो फाइनल स्टेशन रहता है दैट इज़ पाम जुमेरा, वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। तो अटलांटिस है और बहुत कुछ है, वहाँ पे वाटर पार्क है बहुत बड़ा और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप बाय कार अंदर जाते हैं पाम जुमेरा फील्ड में तो आपको बहुत अच्छे से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मोनो रेल से आपको एक टॉप व्यू मिलता है, एक साइड व्यू मिलता है, जो उसको आप देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या उसमें है। ये एक्चुअली ह्यूमन मेड आइलैंड है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है ये। सो आई एम अ मौलिक। हेलो एवरीवन, आई एम अ मौलिक एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टेल समथिंग अबाउट पाम जुमेरा, वॉट वी एट देयर। लाइक यू गाइस कैन सी वी एट, आई एट अ डोनट एंड आई ऑल्सो हैड अ लिटिल टेस्ट ऑफ स्टारबक्स कॉफ़ी। एंड इफ़ यू आर इन दुबई प्लीज़ विजिट पाम जुमेरा, इट्स एन अमेजिंग प्लेस। एंड या इट्स लाइक दिस फायर प्लेस, दैट द फायर प्लेस वॉज सो रियल, इट फील सो रियल, इट वॉज बर्निंग, इट्स सच लाइक अ कूल प्लेस। प्लीज़ विजिट पाम जुमेरा। And yeah, now we had a great time in Dubai, Palm Jumeirah. And well, from the monorail experience, it was amazing. And if you are in Dubai, please visit it. Monorail experience is amazing. I saw the Atlantis and I saw some like water parks and some extra, etc. So yeah, I guess that's it. I made the video as well about the Atlantis. So the Atlantis is also an autopilot train. There are people, some people in the train. But it's like a metro, just a little different type of metro. Well, I will see you guys in you guys see me in the videos. Please subscribe and like and follow my Instagram page. I'm Alik the Drummer. Thank you. Bye bye. हाँ जी, तो ये हमारे बेटे ने वॉइस ओवर किया था, अमौलिक उसका नाम है और उसका एक इंस्टाग्राम पेज है अमौलिक द ड्रमर, जहाँ पे वो ड्रम प्ले करता है। उसने कहीं भी सीखा नहीं है, वो अपने मन से यूट्यूब से देखकर उससे सीखा है और उसे बहुत पसंद है ड्रम प्ले करना। इवन कीबोर्ड पियानो वगैरह प्ले करता है, छोटे छोटे वीडियोज़ डालता है, एज अ व्लॉगिंग वीडियोज़ वहाँ पर डालता है। तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा, इंस्टाग्राम पेज है अमौलिक द ड्रमर। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। और उसने बोला मम्मा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस भी तो वॉइस ओवर भी कर लूँगा, तो कैसा लगा उसका वॉइस ओवर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं वापस वीडियोस में। और मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग वापस घर जा रहे थे लेकिन हमने लंच नहीं किया था, तो हम यहाँ पे एक ब्रेक लिया। यहाँ पे हम रुके अर्बन तड़का, अ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था ये, सिचुएटेड है अलनाडा 1 दुबई में। तो अगर आप इस तरीके का कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं प्योर वेजिटेरियन विद अ गुड एम्बियंस एंड गुड फूड, तो मस्ट विजिट देयर। तो यहाँ पे जो फूड था वो बहुत अच्छा था, इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। अच्छा, इनका एक छोटा सा बैंक्वेट हॉल है, एक इवन अगर आप कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह थ्रो करना चाहते हैं तो वो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट कर देते हैं। तो बस दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट मुझे अरेंजमेंट अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको इसका रिव्यू दिया एंड द फूड वॉज वेरी डिलीशियस। तो चलिए लंच करते हैं, देन मैं आपसे इसके बाद मिलती हूँ। और अच्छा एक्सपीरियंस था, पहली बार देखा एटलांटिस, टीवी पे देखा था पाम जुमेरा एटलांटिस, वो जो ये मैन मेड आइलैंड है, नेचुरल नहीं है और बहुत ही ब्यूटीफुल बना, बहुत ही ब्यूटीफुल उसे मैनेज भी किया गया है, तो मज़ा आया। और मोनो रेल से घूमने का अलग ही एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा व्यू था। वहाँ पर एक वाटर पार्क था बट हम उसके लिए काफ़ी लेट हो गए थे, वो मतलब मॉर्निंग 10 o'clock अगर आप जाओगे ना तो आप जितना टिकट के पैसे पे करते हो
काफ़ी एक्सपेंसिव है, लाइक 600 dirham समथिंग इस तरीके का उसका पर पर्सन टिकट है, तो मतलब वर्थ नहीं है। आप या तो फिर सुबह से जाओ और आपको थोड़ा वाटर स्पोर्ट्स और वाटर एडवेंचर हो आप तो आपके लिए वर्थ है, अदर हमारे जैसे लोग जो बहुत डरते उनके लिए वर्थ नहीं है। और हमारा कुछ ऐसा प्लान भी नहीं था। अदरवाइज काफ़ी कुछ है वहाँ पे करने के लिए, काफ़ी फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत अच्छा टाइम। ऑल दो भी वेदर काफ़ी हॉट है, समरिश वेदर है, काफ़ी गर्म है, बट एवरीथिंग इज़ इन इनसाइड एसी रूम्स, तो आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। और आइलैंड के पास था, मतलब आपका सी के आसपास है वो बना हुआ आइलैंड, तो इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं था, ह्यूमिडिटी तो बिल्कुल नहीं है। बस हाँ ये है कि आप एकदम से एसी में रहते हैं एंड जस्ट गो आउटसाइड तो आपको वो एक डिफरेंस समझ में आता है, बाकी ठीक था, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। अच्छा, अब हमें करना है इंडिया जाने की तैयारी, तो पैकिंग वगैरह सब करना है, सिर्फ 1 week बचा है और 1 month के लिए जाना है, तो काफ़ी कुछ पैकिंग करना है, घर भी पूरा सब क्लीन करके जाना है, बहुत सारा काम है, तो फटाफट वीडियो एडिट करके डालना है। और एंड थैंक यू सो मच, आप अप्रिशिएट करते हैं, आप अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं ना, तो वीडियो बनाने का मोटिवेशन आता है। आप में से कई लोगों ने बोला है कि आप दुबई में बैठ के वहाँ से वीडियो बनाइए, वहाँ से एक्सप्लोर करिए, व्हाट आई ईट इन अ डे के साथ साथ दुबई लाइफ भी दिखाइए, कैसे आप रहते हैं, एक्सपेंसिव लिविंग, यहाँ का स्कूल और यहाँ की लाइफ कैसी है, क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें। तो बस धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँ और जितना पॉसिबल है मेरे लिए चीज़ों को कवर करना, वो पूरी चीज़ें मैं आप लोग को के साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए, अब एज यूजुअल हमारा जो रिचुअल है चाय वाला वो हम करते हैं, और चाय पीने का आज हो रहा है मन, मतलब शाम को मैं पीती भी हूँ चाय, थोड़ा सा चाय की क्रेविंग होती है, अदरवाइज हेडेक होने लगता है। आई डोंट नो ये साइकोलॉजिकल है कि दैट्स अ फैक्ट, आप लोग को भी अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि विदाउट टी, विदाउट चाय, अपनी जो इंडियन चाय होती है उसके बिना आपका दिन निकल जाता है या मैनेज कर लेते हो। कई बार मैंने मैनेज भी किया, जब मैं अपने इनिशियल स्टेज में थी वेट लॉस के, तब मैंने चाय छोड़ दी थी, मतलब मैंने अपने आप को इस तरीके से माइंडसेट को बना लिया था कि मुझे चाय से नफरत है, मतलब मैं बार बार बोलती थी मुझे चाय से नफरत है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पीना, मतलब मैं बोलती थी ना, तो मैंने 4 to 5 months ऑलमोस्ट 6 months मैंने चाय नहीं पी थी ड्यूरिंग मेरा जो वेट लॉस जर्नी चल रहा था, स्टार्ट किया था जस्ट। फिर उसके बाद विंटर्स आए तो फिर चाय की तलब होने लगी, विंटर्स विदाउट चाय तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो फिर चाय पीना स्टार्ट किया। तो मैं 1 time ही पीती थी और स्टार्टिंग से अब तक सिर्फ 1 ही बार, वो भी शाम को, और समटाइम्स तो मैं जैगरी भी ऐड नहीं करती, मैं ना फीकी चाय पीती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे चाय को थोड़ा कम पीना है, मुझे ज़्यादा नहीं पीना है, तो मैं फीकी चाय भी पी लेती हूँ विदाउट शुगर विदाउट जैगरी, कुछ भी नहीं डाल के पीती हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली ना पी नहीं जाती है, तो वो आधी कप पी लेती हूँ जितना मुझे सफिशियंट होता है कि मेरे को थोड़ा सा मतलब टायर्डनेस और मेरा जो थकावट है जो सर दर्द है वो ठीक हो जाए, बाकी तो फिर अलग कर देती हूँ। तो बस ये है ओवरऑल, चलिए चाय बनाते हैं एंड देन उसके बाद देखते हैं डिनर में क्या बनाना है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट भी किया करो ना, कमेंट में भी बताया करो कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। कुछ मेरी बहुत प्यारी से सब्सक्राइबर्स मेरी फ्रेंड्स हैं जो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, जो मुझे हौसला देती हैं, बोलती है कि आप ऐसे वीडियोस बनाएं बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप लोग देखते हैं ना तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करिए, उससे क्या तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है कि और अच्छा बनाना, और अच्छा इससे अच्छा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करना है ना, तो सा काम करना है। चलिए चलते चाय। तो डिनर हमारा बहुत ही सिंपल येट डिलीशियस था, जो कि था मसाला ओट्स, तो
जो भी वेजिटेबल्स मेरे पास थी उसे कट करके चॉप करके मैंने ओट्स बना लिया, और मैंने इसकी रेसिपी बहुत बार शेयर भी करी है और मेरे घर में ये काफ़ी पसंद भी किया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले प्लान था खिचड़ी बनाएं, बट मैंने बोला खिचड़ी तो हर बार खाते हैं और उस पर थोड़ा टाइम टेकन भी रहता है, तो इसको बनाते हैं। ये फटाफट मतलब विद इन 10 मिनट्स बन जाता है, और बस थोड़ा थोड़ा हम सब लोग ने खाया, और उसके बाद मैंने पिया था अपना कैमोमाइल टी, और इसी के साथ डे एंड किया था। तो चलिए अब चलते हैं Q&A पार्ट पर। हाय गाइस, सो करेंटली आई एम इन इंडिया और सॉरी वीडियो से इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि इतना कुछ चल रहा है यहाँ पर, ट्रैवल मिलना जुलना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। ऑफ किसको अच्छा नहीं लगता फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, तो ये एक प्राइवेट मोमेंट है जो मैं अपने लोगों के साथ स्पेंड कर रही हूँ, दैट्स वाई कैमरा नहीं उठाया। छोटे मोटे क्लिप्स मैंने बनाया है जिसको मैं इकट्ठा हो जाने पर थोड़ा मेरे पास मटेरियल हो जाए तो मैं इसका भी एक पूरा वीडियो इंडिया का आप लोग के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी कुछ हुआ इसमें, एक सैड न्यूज़ भी थी, मेरी जो बुआ थी वो भी एक्सपायर हो गई थी, तो उधर भी जाना था, उधर भी मिलना मिलाना हुआ, तो बहुत कुछ चला इन बिटवीन। तो बट मेरे पास कुछ क्लिप्स थे जो दुबई से मैंने बना के रखे थे कि मैं इंडिया आऊँगी और पोस्ट करूँगी, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया, और प्लस मेरा Q&A पार्ट भी शूट नहीं हुआ था, तो सोचा आज फटाफट ये मैं शूट कर लेती हूँ। ये मैं अभी आज भी मैं अपने मम्मी के घर हूँ विच इज़ इन भोपाल, और इसके बाद मैं जाऊंगी बैक टू अपने लॉस प्लेस विच इज़ इन जबलपुर, एंड थोड़े दिन वहाँ टाइम स्पेंड करेंगे। रक्षाबंधन भी है तो वो भी सेलिब्रेट करेंगे, देन उसके बाद फाइनली बैक टू दुबई, हमारी फिर से वो रूटीन लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। और इन बिटवीन मैंने बहुत कुछ खाया पिया यहाँ पर, मतलब इतना नॉस्टैल्जिक फीलिंग रहती है ना कि आप अपने आप को रिजिस्ट नहीं कर पाते। बहुत ही स्मॉल पोर्शन में खाया, क्वान्टिटी थोड़ा थोड़ा खाया, काफ़ी वॉक किया क्योंकि यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है कि आप वॉक करने के लिए बाहर जाने के लिए ऐसे नॉर्मली नहीं सोच पाते हैं, तो फिर भी मैं घर पे काफ़ी मैंने अपने स्टेप्स कंप्लीट करती थी और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ। तो गाइस, एज आई टोल्ड यू कि मैंने बहुत कुछ यहाँ पे खाया पिया है, तो वो चीज़ आपको दिख भी रही होगी, बट ठीक है, इट्स ओके। वापस जाने के बाद आई नो हाउ टू पुट ऑफ माई वेट ईजली या थोड़ी मेहनत करके मैं कर लूँगी। तो चलिए, आज का जो ये पर्पस है ये वीडियो बनाने का, दैट इज़ अ Q&A, और बहुत ही बेसिक सा मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है जो कि एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था, और उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछा था। तो इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इंडियन मॉम अनु, आप जाके इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे मैं काफ़ी इंटरटेनिंग वीडियोस बनाती हूँ, जस्ट लाइक अ नॉर्मल रील्स वगैरह रहता है, और वहाँ पे आप मुझे DM करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो उनका DM आया था, उन्होंने मुझसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन था कि वो वेट लॉस उन्होंने स्टार्ट किया है, और एक्चुअली वो हमारा क्या होता है कि जैसे हम अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो विद इन फ्यू वीक्स और अ मंथ हमें रिजल्ट का एक एक्सपेक्टेशन रहता है, ट्रू। तो वो रिज़ल्ट जब नहीं दिखता है तो कहीं ना कहीं हमें एक सेल्फ डाउट होता है कि क्या हम करेक्ट पाथ में हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या सही डाइट फॉलो कर रहे हैं, और जब वो रिज़ल्ट नहीं अचीव हो पाता है देन बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं या फिर उस डाइट को मतलब करते रहते हैं, बोलते ठीक है होना होगा तो होगा, नहीं तो हम फिर से अपने बैक टू नॉर्मल डाइट पे आ जाएंगे। बट मैं आपको एक बात बता दूँ कि इतने सालों का खाया पिया जो आपने स्टोर किया है और उसको हमने एज अ फैट अपने बॉडी पे कंजर्व करके रखा है, उसको मेल्ट करना, उसको कट डाउन करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क कि आप उसे 1 मंथ में ही उसे पूरा मेल्ट कर दो। और अगर आप अगर आपको आपका टारगेटेड रिजल्ट आप अचीव कर पा रहे हो, दैट मीन्स दैट रिजल्ट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल रिजल्ट, और वो एक टेम्प्रेरी रिजल्ट है जो कि कुछ दिन रहेगा, एंड वापस जब आप बैक टू नॉर्मल लाइफ या आप आगे जब अपनी लाइफ को जर्नी को आगे बढ़ाओगे तो वो वेट फिर से पुट ऑन हो जाएगा, वापस आ जाएगा, बाउंस बैक करेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक परमानेंट एक हेल्दी लाइफ रूटीन चाहिए जो कि हमारे लिए लाइफ लॉन्ग और लाइफ एंड तक बना रहे हम हेल्दी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा ताकि आपको एक परमानेंट सोल्यूशन मिले। तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन 1 मंथ का मत रखिए कि 1 मंथ में आपको आपका टारगेटेड जो भी आपने वेट
सपोज किया है वो आप अचीव कर पाए। हाँ, अगर आपने कम मान के रखा, फॉर एग्जाम्पल कि आपने वन मंथ में माना, अगर सिर्फ 2 या 3 kg का अगर टारगेट रखा है, दैट्स ओके कि आपने वो अचीव कर लिया है। लेकिन आप जो सोच रहे ना कि एक बॉडी फॉर्म हो जाएगी, एक स्लिम बॉडी, एक फिट बॉडी फॉर्म हो जाएगी विद इन वन मंथ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो उनका क्वेश्चन यही था कि मतलब उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, इवन दो वो बहुत अच्छे से डाइट फॉलो कर रही है, उनको वन मंथ हो गया है, बहुत वीक्स हो गए हैं, बट वो जो रिज़ल्ट चाह रहे थे उनको नहीं मिल रहा है। तो क्या वो डाइट गलत तरीके से कर रही है या फिर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है? तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आप जो डाइट कर रहे हैं, अगर आपका कुछ ग्राम्स भी अगर उससे कम हुआ है, दैट मीन्स आपका डाइट ठीक है। थोड़ा बहुत आप वेरिएशन कर सकते हैं, लाइक आप पोषण में थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, एक्टिविटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, उससे हो सकता है आपको थोड़ा और ज़्यादा क्विकली रिजल्ट मिले। और दूसरी चीज़ जो आपका वेट लॉस डिपेंड करता है, दैट इज़ ऑन योर मेटाबॉलिज्म। आपका मेटाबॉलिज्म भी एक चीज़ होती है हमारी बॉडी की जो डिफरेंट होती है, ठीक है। इसीलिए जो वेट मैं अगर वन मंथ में रिड्यूस कर रही हूँ, तो हो सकता है आप ना कर रहे हो, या आप कर रहे हो जो वन मंथ में रिड्यूस, वो मैं ना कर पा रही हूँ, क्योंकि हमारा और आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट वर्क कर रहा है। किसी का स्लो होता है, किसी का फास्ट होता है। तो मैं जो आपको डिटॉक्स ड्रिंक देती हूँ, या ग्रीन टी या कैमोमाइल टी जो आपको पीने के लिए बोलती हूँ, वो इसीलिए क्योंकि ये सारी चीज़ों से मेटाबॉलिज्म हाई होता है। मैं आपको जो फिज़िकल एक्टिविटी एक्सरसाइज के लिए कहती हूँ, वो इसीलिए बोलती हूँ ताकि आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए करनी, सिर्फ डाइट आपको वेट लॉस नहीं करवाएगा, ईजिली वेट लॉस नहीं करवाएगा, आपको हेल्दी लाइफ में इंडल्ज होना ही पड़ेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल ही एक आपका बेस है जो आपको लाइफ टाइम तक फिट रख सकता है, आपके वेट को मेंटेन रख सकता है। वेट लॉस कर लिया, आगे क्या, आगे आपको वेट मेंटेन भी रखना है। सो वेट लॉस तो हो गया, बट वेट मेंटेन करना भी एक टास्क है जिसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप में मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डाइट वगैरह थोड़ा सा आपको उससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं कहूँगी आप अपने बॉडी टाइप को समझिए, आप अपने बॉडी नीड को समझिए। अगर आप थोड़े से वेरिएशन उस डाइट में करके अचीव कर पा रहे हैं, तो ज़रूर करिए। बट इट डजेंट मीन कि आप स्किप कर दीजिए मील, आप अलग कर दीजिए, बैलेंस मील ना लीजिए या कम खाएं, ये सब नहीं करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, वेट लॉस तो होना स्टार्ट हो जाएगा, वेट लॉस नहीं मैं कहूँगी मसल्स लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्किन ख़राब हो जाएगी, मे बी आपका इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ साथ थोड़ा वर्कआउट और अपनी हेल्दी लाइफ पे ज़रूर वर्क करना। आई होप आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया हो। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको समझ पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो, बस एक साइकोलॉजिकल गेम है जो आपको समझना है कि आप कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वही कर रहे हो जो आपके बॉडी को आप एक एज अ गिफ्ट दे सकते हो हेल्दी रहने के लिए फॉर अ लाइफ टाइम, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ज़रूर आपको आपका टारगेटेड जो वेट है, आपने जो एक्सपेक्ट किया है, वो मिलेगा। चलिए इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और जल्दी इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि 2-3 वीडियोस मेरे दुबई के जो है वो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। ट्रैवल व्लॉग भी है फ्रॉम दुबई टू इंडिया का, जो ट्रैवल व्लॉग बनाया था वो भी है, एंड देन उसके बाद में जो मेरा इंडिया वाला व्लॉग है वो मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो चलिए स्टे ट्यून और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, वेट लॉस करते रहिए, और जल्दी ही नेक्स्ट ये वीडियो अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।